बड़ा अच्छा सवाल था, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 4 ईयर इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 20% एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। बात आखिर हो रही है 10,000 की 4 साल के, जिसमें पहले 2 साल का रेट है 10% पे 20। नहीं देखो, 110/100 एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा, क्योंकि 2 साल तक 10% रहा और फिर बाकी 2 साल में 20% रहा, तो फिर 2 दफ़ा 120 आएगा। और इन सबको हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 17424। बट अच्छा साले, अन्नू इन्वेस्ट 5,000 इन अ बॉन्ड विच गिव इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 5% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। हाउ मच डज शी गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? तो देखो, मसला ये है कि प्रिंसिपल उनका था कितना, 5,000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत डेप्थ में मैं कराता हूँ बच्चों, जब भी कोई सवाल इससे रिलेट आता है ज़रूर कराता हूँ। पहले साल 4% इंटरेस्ट था, फिर दूसरे साल 5%, तीसरे साल 10%, ठीक है। अब सबको सॉल्व करना है, तो देखो पहले कोशिश करो ज़ीरो मार दो सारे, जितने ज़ीरो है ना चुन चुन के मारो इनको, जहाँ ज़ीरो मिल जाए मार दो, जहाँ ज़ीरो मिले मार दो। अब कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, ये कटेगा भाई 5 के टेबल से, ये 21, ये 20, 20 आ गया तो फिर भाई दोबारा कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 5 से ये कटेगा, तो एंड में आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, पता चल जाएगा कि भाई कितना अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है जी। बड़ा अच्छा सवाल है, अन्नू के पास 5,000 ही है, लेकिन पहले साल 15% इंटरेस्ट, दूसरे साल 5, तीसरे साल 10%, तो बताइए 3 साल बाद उसकी इनकम कितनी है। देखो हम पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, 100+5, 105, 110, 115, लेकिन बच्चों जहाँ ट्रिक लग रही है लगाएंगे, जब परसेंटेज ये हो 5, 15, 10, डजंट मैटर पहले 5 फिर 10 फिर 15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी 10, 5 और 15 आए तो बहुत आसान ट्रैक है, फिर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, 1.386 से प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कब, जब बात किसकी हो 5, 10, 15, 99% क्वेश्चन में जब 3 साल की अलग अलग आती है तो 5, 10, 15 ही आता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब 5, 10, 15 के बजाय कुछ और सवाल आया हो, कुछ और आया हो तो जैसा मैंने पहले सवाल कराया था वही कर लेंगे, वरना इससे करेंगे। What will be difference between simple and compound interest on a sum of rupees 4,500 put 2 year at 5% पर एनम? देखो ये बड़ा खास सवाल है, इस तरह के साल बहुत आते हैं, कब, 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फर्क कितना होगा, जब अमाउंट कितना है 4,500, रेट कितना है 5%। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो याद रखो 2 साल के लिए तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, पी आर स्क्वायर आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल तो 4,500 है, आर रेट 5 है और 100। अब देखो कभी स्क्वायर करने के बजाय बेहतर है कि दो बार लिख दो चीज़ को, कैलकुलेशन आसान होती है। ये दो ज़ीरो मर गए, हाँ जी 5, 5 25 है, तो ये कटा, ये 4 आ गया। अब 4,500 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 1,125, दिस इज योर आंसर। ऑफकोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से, कितना ज़्यादा होगा ये हमने पता लगा लिया, इस फार्मूले से लगा लिया मेरे भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। 11.25 होगा ना, 45 बचा था, ठीक है 11.25, दिस इज योर आंसर। जल्दी नोट, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और धुआंधार सवाल, सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट्सेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स इट्सेल्फ? अब देखो डबल हो गया 3 साल में, तो 4 टाइम्स कितने सालों में होगा? 4 टाइम्स, देखो अब एक बड़ी अहम बात है, पहले कितना कह रहे हैं डबल, इसको एन मान लेते हैं, कितने सालों में था, 3 सालों में। अब 4 जो होगा उसको मानेंगे एन की पावर एम, क्या मानेंगे, एन की टर्म है, ज़रूरी नहीं कि वो 4 हो सकता, ये कह देते 6 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम, फर्ज करो 9 टाइम होता, कुछ भी हो सकता था 8 टाइम्स, तो इसको मानेंगे एन की पावर एम। और अब हमें चाहिए एम, तो एम निकालना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। एम कैसे निकलेगा, पहले इतना समझ लो भाई, ये 4 है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो एन तो 2 हो गया, एम क्या हो जाएगा, 2, एम के लिए क्या आ जाएगी, 2। पहले यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर आगे बता। देखो बेटा कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है,
20/5 4 है, ये तो सबको पता है बेटा, जिसको ये भी नहीं पता तो नेटी जेटी का पुल भी है, जाए बिल्कुल वहाँ। अब 20 को बजाय 5 के 4.85 से डिवाइड करना है, तो देखो 5 से डिवाइड करने में 4 आ रहा था, अब 5 जो है 4.85 से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा हुआ ना, तो आंसर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 4.14 के आसपास, यानी ये जितना 5 से कम है 0.15 कम है, तो थोड़ा सा उससे 0.14 ज़्यादा। और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, या तो बाकी ऑप्शन 4 से छोटे होंगे या फिर 4 से बहुत ही बड़े होंगे, लाइक 4.6 4.7, तो भी नहीं हो सकते। इसी तरह देखो 20 को अगर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5.1 से, अब ये 5 से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर थोड़ा छोटा होगा 4 से, लाइक 3.85 या 3.9 इसके आसपास होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा कि 4 से बहुत ही छोटा हो जाए, लाइक 3.1 3.2, 4 से बड़ा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें, ये तरकीबें जो हमेशा जहन में बिठा के रखो मसले हल होंगे। रात कोनैन हसन साहब, चेयरमैन है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, PUC पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह हैं ताहिर महमूद अशरफी, और आरिफ अनीस साहब हैं ब्रेन ऑफ एयर 2020। फ्री फूड डिलीवरी इन्होंने की थी COVID-19 के दौरान, और पहले पाकिस्तानी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरिफ अनीस साहब का नाम भी, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ताहिर महमूद अशरफी, और राहत कोनैन हसन, चेयरमैन कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान।